उसके ऊपर भी चर्चा होगी और दूसरी इनिंग के बारे में चर्चा। हार्दिक फाइटर किंग्स ऑफ माकुनसार की तरफ हम जाएंगे और पाटिल सेना राजेश वारियर वो टॉस होगा। ग्राउंड नंबर वन पर हार्दिक फाइटर किंग्स ऑफ माकुनसार, ग्राउंड नंबर टू की बात करें तो पाटिल सेना राजेश वारियर है और ग्राउंड नंबर टू पर जो दूसरा मुकाबला है इसका जो मैन ऑफ द मैच का हकदार है बिल्कुल थोड़ी देर के बाद जानकारी मिलेगी। असलम भाई ग्राउंड नंबर टू पर आप है, प्लेइंग इलेवन की लिस्ट का जो पेपर है वो हमें चाहिए। असलम भाई, असलम भाई अगर हमारी आवाज आपकी तरफ आ रही है तो जो प्लेइंग इलेवन की लिस्ट है उसका जो पेपर है वो बिल्कुल हमें चाहिए। तो पहली इनिंग समाप्त होते ही जीतने के लिए चाहिए 53 रन, ये भी टोटल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, मजा आएगा। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं। ब्रेक के दूसरी पार इस दूसरे मैच की बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे इनिंग की कहानी। हार्दिक पैटर के कप्तान और किंग्स ऑफ माकुनसार टॉस की तरफ जाएंगे। जास्त वेळ घेऊ नका, यानंतरचा सामना किंग्स ऑफ माकुनसार आणि हार्दिक पैटर या दोन संघांदरम्यान अतिशय महत्वाचा सामना। टॉस साठी चला प्लीज। त्यानंतर पाटील सेना आणि राजेश वारियर दोन्ही संघ इथे आहेत, टॉस करून घ्यायचा आहे। मैदान क्रमांक एक वरती सुरू असलेला अतिशय महत्वाचा सामना संस्कार आणि आस्था मोटर्स। आस्था मोटर्स आपले बॅट्समन पाठवा, 53 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि हार्दिक पॅटर आणि किंग्ज ऑफ माकुनसार दोन्ही संघांचे कॅप्टन तयार आहेत। आस्था मोटर्स आपले बॅट्समन पाठवा प्लीज। पाटील सेना राजेश वारियर नेक्स्ट मॅच आहे ग्राउंड क्रमांक 2 साठी। हार्दिक पटेल आणि किंग्ज ऑफ माकुनसारचा टॉस झाल्यानंतर लगेच आपलाही टॉस होतोय। मैदानात जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज। क्षेत्रक्षक सजवायचा, क्षेत्रक्षक सजवा। 30 मिनिटाचा वेळ आपल्याला दिलेला आहे एक एक इनिंग करता। टॉस किंग्स ऑफ माकुनसार संघाने टॉस जिंकलेला आहे। हॅलो, 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 हॅलो। धन्यवाद माकुनसार स्पोर्ट फाउंडेशनच्या या मैदानावर ह्या टुर्नामेंट चालू आहेत। नाणेफेक झाले, माकुनसार ऑफ फायटर किंग्स हार्दिक फायटर्स। अनिल, तू मगाशी मॅन ऑफ द मॅच ठरलास, चांगला फलंदाज, चांगला गोलंदाज आहेस। आता नाणेफेक माकुनसार किंग्सने जिंकलेले आहे, पहिले निर्णय सांगतील जितो पाटील। आम्ही बॅटिंग घेतो पहिले, कारण आमच्याकडे ऑलरेडी 6 ते 7 जण बॅट्समन ऑलराऊंडर आहेत आणि त्यांची फक्त अनिलची एक विकेट फक्त आम्हाला हवे, ते तर आम्ही चेसमध्ये काढू नक्कीच, कारण चांगला गोलंदाज, चांगला फलंदाज आहे। तुझे पहिले 3 बॅट्समन जे या मैदानाचा तुला अनुभव पण आहे, तुझ्या मुकेश ठाकूर सुद्धा आहे, तर तुझे 3 फलंदाज असतील पहिले कुठले? संदीप आहे, राजूभाई आहे, त्याच्यानंतर फ्लक्च्युएशन मध्ये। धन्यवाद, मी अनिलकडे जातोय। अनिल, तू मॅन ऑफ द मॅच घेतलेला आहे पहिल्याच मॅचमध्ये,
तो तुझी रणनीती सांगणे गरजेचं आहे का तुला क्षेत्ररक्षण दिलंय तुला धावसंख्या थांबवायची आहे माकुण सरला तर तू कुठल्या पद्धतीने करेल सर जास्तीत जास्त 40 ते 50 एवढ्यावर आम्ही थांबू नक्कीच त्याने तुला सांगितलंय का अनिलची विकेट मारून आम्ही पूर्ण धावसंख्या थांबण्याचा प्रयत्न करू परंतु तुझ्याकडे पहिला चेंडू दिलेला आहे तर तू त्यांना किती धावावर 50 ते 60 मध्ये धावतोय तर तुझे पहिले 3 गोलंदाज म्हणजे मी स्वतः आणि मंगेश रमेश धन्यवाद दोन्ही संघाला बेस्ट ऑफ लक्स मला वाटतं दुसरा संघ आहे अनिलचा आणि फर्स्ट मॅच मकुन सर किंगची आहे धन्यवाद सर्व खेळाडूंसाठी प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा मनापासून हार्दिक स्वागत आहे मास्टर प्रीमियर लीग 2020 महासंग्राम ग्राउंड नंबर 1 वरती सुरू असलेली अतिशय महत्वाची मॅच आहे संस्कार इलेव्हन आणि आस्था मोटर्स जिंकण्यासाठी 53 धावांची आवश्यकता आहे आणि दोन्ही आघाडीचे फलंदाज आनंद आणि संतोष मैदानात आघाडीचा गोलंदाज असेल तो किरण 53 धावांचा पाठलाग करत आहे थर्ड मॅन पॉइंट कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे त्यानंतर मिड ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे डब्यातून अत्यंत छान चांगला प्रकारचा चेंडू कव्हर पॉइंटच्या दिशेने खेळलाय एक धाव येते एका धावेने खात खोललं जातं आनंद खेळतो व्यक्तिगत 1 या धावसंख्येवरती यापुढचा जो सामना आहे त्याचा टॉस पाटील सेना आणि राजेश वारियर दोन्ही संघ मला वाटतं आहेत पाटील सेना त्यावेळेला चांगला चेंडू होता पडल्यानंतर थोडासा स्विंग होतोय अतिशय खराब क्षेत्ररक्षण होत आहे दोन धावा घेण्याचा प्रयत्न निश्चित होईल दोन धावा पूर्ण होत आहेत दोन धावांनी धावसंख्या पुढे सरकते आहे आणि धावसंख्या पोचते ती 3 वरती आनंद महत्वाचा खेळाडू आहे दुसऱ्या बाजूला संतोषने आपलं खातं खोललंय तो खेळतोय 2 वरती संघाची स्थिती आहे ती बिनबाद 53 धावांचा पाठला करत असताना आस्था मोटर्स एक अतिशय छान असं मैदान आहे विकेट सुद्धा अत्यंत सुंदर बनवलेली आहे यावेळेला छान पद्धतीने चेंडू खेळला इथे मात्र क्षेत्ररक्षक चुकतोय आणि चेंडू सीमारे का पार चौकारासाठी झाले यात काय शंका नाहीये शिवबाचा छबाड याला 4 धावा पालघर जिल्ह्याचा नंदोरे गावाचा डंका है त्यांच्या नावाचा ऑप्टमच्या बाहेरचा चेंडू होता बॅकफुटला गेलाय आणि गतीचा चांगला वापर करत जो थर्ड मॅन आणि फ्लाइंग स्लिपचा खेळाडू आहे त्याच्या मधून चेंडू सीमारेखेच्या पार जातो आहे थोडस खराब क्षेत्ररक्षण होते त्याचा फायदा निश्चित मिळतो या 4 धावांनी धावसंख्येला थोडासा आकार येतोय धावसंख्या पोचली ती 7 वरती ओटी प्लस एक दर्जेदार क्रिकेट आपण पाहतोय तशाच प्रकारे चेंडू खेळायचा आहे तिथे चेंडू जातोय जिथे क्षेत्ररक्षक आहे थर्ड बॅन क्षेत्रामध्ये एका धाबेची भर पडते एका धाबेने चांगली फलंदाजी फलंदाज दोन्ही करतायत आनंद आणि संतोष संतोष पोचतोय व्यक्तिगत 7 या धावसंख्येवरती संघाला नेऊन ठेवतोय 8 वरती दुसऱ्या बाजूला आनंद खेळतोय 1 वरती 45 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता आहे 53 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी होतोय त्यामुळे मोठा फटका अत्यंत सुंदर पद्धतीने खेळला रडार मधला चेंडू आहे वाघाची धार फोडला पार चेंडू सीमारे का पार षटकार आनंदच्या बॅट मधनं दिलासा देणारा अत्यंत दर्जेदार फटका आलाय आणि हा मास्टर स्ट्रोक आहे लॉंगॉनच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर जातोय उत्तुंग षटकार येतो आनंदच्या बॅट मधनं दुहेरी अंकात धावसंख्या पोचते अत्यंत चांगला चेंडू परत होतो आत पद्धतीने बॅकफुट धावून ऑन साइडला स्क्वेअर लेग पट्ट्यात खेळलाय तिथे क्षेत्ररक्षकचा पण चेंडू वरती येतो दोन धावा खेळण्याकरता निश्चित संधी आहे आणि त्या संधीचं सोनं करत दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी या दोन धावा पूर्ण करतायत या दोन धावांनी धावसंख्या पोहोचते ती 16 वरती 53 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि अशा वेळेला पहिलं षटक समाप्त झाले अतिशय महागडं षटक आहे या षटकात दोन्ही फलंदाजांनी अत्यंत शानदार फलंदाजी केली आणि किरणचं षटक महागड ठरतंय धावपळकात धाव आहेत त्या 16 53 धावांचा पाठलाग करायचा आहे कुठेही जाऊ नका पात्र मास्टर प्रीमियर लीग 2020 चा घमासान एका ब्रेक नंतर परत येतोय असं गेलो आणि असं आलो Shocker.
खेळाडूंसाठी प्रेक्षकांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। क्रिकेटचा रंग मंच आहे रंगात रंगूया या माकुणसारच्या लाल मातीने माणसाला माणूस आणि खेळाडू जोडूयात। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 च्या साथीने अतिशय दर्जेदार असं आयोजन या स्पर्धेचं आपण पाहतो आहे। उत्तम प्रकारचं मैदान, एकाच वेळेला दोन सामने आपण बघू शकता। गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज सज्ज होतोय तो समर्थन कक्षखंड गोलंदाजी करतोय। त्याला डाव्या एसटीकडचा चेंडू चार पद्धतीने फाईन लेग पट्ट्यात खेळला जात आहे, मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण एक धाव काय रोखू शकत नाही। फुलटा चेंडू लेग पॅचचा इशारा होतोय मल्होत्रा सरांकडून। बॉलरचं नाव सांगा प्लीज। देवराम गोलंदाजी करतोय आणि दोन्ही फलंदाज आरामात फलंदाजी करतायत। कुठल्या प्रकारची घाई नाहीये, गडबड नाहीये, आत्मविश्वासानं फलंदाजी आहे। धावपलका धाबा होत्या त्या 19-17, पहिल्या षटकात 16 धावा कुठल्या आहेत आणि त्यामुळे धावसंख्येला चांगलाच आकार आलाय। धावसंख्या सजले फुलले, त्यावेळेला फुटा चेंडू ऑन साइडला गेला, चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेगला। इथे मात्र क्षेत्ररक्षक एका धाबेने निश्चितच धावपलक पुढे सरकतोय। धावसंख्या होती ती 18। 53 धावांचा पाठलाग करताचा दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे। देवराम गोलंदाजी करतोय समर्थन कक्षाकडून आणि दुसऱ्या बाजूला दोन्ही फलंदाज आनंद आणि संतोष अत्यंत जबरदस्त फलंदाज करतात। पहिल्या गड्यासाठी एक महत्वपूर्ण अशी भागीदारी रचली जाते। ऑप्टनच्या बाहेरचा चेंडू होता वाईड यॉर्कर आणि हा अत्यंत महत्वाचा चेंडू आहे। टेनिस क्रिकेट जर खेळत असेल तुम्हाला वाईड यॉर्कर टाकता आला पाहिजे। बिलकुल अब अगर जो कि ऑप्टन के बाहर 2 मीटर के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको वो वाइड यॉर्कर आना चाहिए। जड़ में जाने की कोशिश करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। पट्टा पकाने के बाद मिडिल डायरेक्शन पर जाते भी गेंद को फाइनल क्षेत्र की तरफ कलाई के साथ मोड़ दिया था। एक रन बिल्कुल मिलेगा सिंगल के साथ। रन संख्या बढ़ रही है, जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत है। दूसरा ओवर प्रगति पर है, रन संख्या 19। 2019 को हमने बाय बाय किया है, 2020 को बाय बाय करने का समय है, 2021 का वेलकम होगा। बहुत सारी चीजें होने वाली है और ये मुकाबला जिसमें कि आस्था मोटर्स ने 19 रन बनाए दूसरे ओवर में। ओ, अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर की हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छी गेंद थी, करीबी मामला है और इस बार अंपायर की तरफ से क्या फैसला होगा देखने वाली बात है। अंपायर की तरफ से कोई फैसला नहीं है, इसका मतलब 22 के तौर पर एक रन मिलेगा इसी जो कि सिंगल के साथ। रन संख्या बढ़ रही है, रन संख्या 20। अभी भी मैंने बात की थी कि 2019 तो चला गया, 2020 की बात करें तो बहुत सारी कहानी लेके आया और बहुत सारे संकट लेके आया, लेकिन अब 2020 को बाय बाय करने का समय आया है। लेकिन रन संख्या 20 रन और अब जाकर जीतने के लिए 53 चाहिए, तो 20 का जो फासला है धीरे धीरे कम हो रहा है, 33 रनों की जरूरत है। फ्लाइंग स्लिप की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। कला के साथ मोड़ते हुए फाइनल क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है, एक रन का इजाफा बिल्कुल होगा। सिंगल के साथ रन संख्या 21 और एक जबरदस्त घमासान क्षेत्र है। गेंद बल्ले के बीच छिड़ी है, जंग चढ़ा है क्रिकेट का रंग इस मैच में, बिल्कुल रंग चढ़ेगा क्योंकि दूसरा ओवर जिसमें कि ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। ओवर की बात करें तो ये ओवर समाप्त होता है, दो ओवर की कहानी समाप्त। 12 गेंदों में रन संख्या 21, कोई विकेट नहीं गिरा। सबसे बड़ी बात है आस्था मोटर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि इनका विकेट नहीं गिरा है। मास्टर प्रीमियर लीग में एक बार फिर चर्चा जा रहेगी, गुप्तगू जाएगा, ब्रेक के साथ वापस आते हैं। कहानी इंटरेस्टिंग बन रही है। सतीश मात्रे दिसाया साधा भोळा, भारी माणूस हाय तो भला, त्याला गणपती बाप्पा यो बावला। रायगड ठाण्यात फेमस झाला, त्याला गणपती बाप्पा यो बावला। रायगड ठाण्यात फेमस झाला, मास्टर प्रीमियर लीग 2020 की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैदान के अंदर चल रही है और अब 24 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 32 रनों की जरूरत है। संस्कार 11 ने पहले बल्लेबाजी करते 52 रन बनाए थे। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बार बार हम चर्चा कर रहे हैं और अंपायर के पास आप आपकी घड़ी ना दे, कैप ना दे क्योंकि कोरोना चल रहा है। 2 गज की दूरी और मास्क पहनना है जरूरी। पप्पू गेंदबाजी करने के लिए
आनंद और संतोष ने बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेले, शानदार तरीके से पहले विकेट के लिए वो 21 रन बनाए हैं और 12 गेंदों में 21 रन, मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। समय ज्यादा जा रहा है, समय की नजाकत को समझिए। फील्डिंग में तकदीली, एक फ्लाइंग स्लिप के साथ पॉइंट, कवर पॉइंट, इसके साथ लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर चार खिलाड़ी तैनात है। समय की बात करें तो आपके 12 मिनट का समय समाप्त होता हुआ, 30 मिनट का समय आपको दिया गया है। वक्त की बात करें तो वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त किसी खूबसूरत मोहतरमा के लिए नहीं रुकता, इसलिए वक्त के साथ चलो दोस्तों। कौन कहता है कि वक्त मौन है, वही तो कहता है किसका कौन है, वो कोरोना ने भी बताया। पार्टी नेटवर्क के माध्यम से टूर्नामेंट आप बिल्कुल देख रहे हैं। अच्छी घंटी पकाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते भी गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेला, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, एक रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ रही है, 23 गेंदे और 31 रनों की जरूरत है। अगर संस्कार को यह मुकाबला जीतना है तो आपको विकेट चाहिए, विकेट आप लेते रहेंगे तो मैच बनता जाएगा। डीजे आपको थोड़ा शांत बैठना है, सही समय पर मैं आपकी तरफ बिल्कुल आऊंगा। गेंदबाजी कर रहे पप्पू, पप्पू को इस जो कि ओवर में पास होना होगा तभी जाकर मैच बनेगा, विकेट चाहिए। बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा अभी तक। आसमान की तरफ बहुत ऊपर गेंद, खिलाड़ी है लेकिन वो बन गया दर्शक, दर्शक एक बार फिर तालियां बजा रहे और शानदार शॉट, 6 रन। खाने के बाद तो उड़ान लेते हुए गेंद बैक फुट चले गए, खुद सोते के साथ इस गेंद को हुक किया डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ, बहुत ऊपर आ रही थी, सर की तरफ आ रही थी गेंद, ब्यूटीफुल शॉट, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज आनंद, रन संख्या बढ़ रही है 28 रन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट पप्पू, अच्छी गेंद, इसकी जरूरत है, आगे रखिए। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आएंगे, खराब फील्डिंग लेकिन अच्छा कवर किया, एक से ज्यादा नहीं है, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती भी, लॉन्ग ऑफ पर इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं हुई लेकिन लॉन्ग ऑन के जो खिलाड़ी इन्होंने कवर कर दिया है, 29 रन बने, 53 रनों की जरूरत है। आस्था मोटर की आप बल्लेबाजी देख रहे हैं, मास्टर प्रीमियर लीग 2020 में दोपहर का सत्र चल रहा है। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज संतोष, ऑफ साइड पर अब 5 खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सुंदर गेंद, बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हैं लेकिन थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है तो एक रन का इजाफा। स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं दोनों बल्लेबाज, बीच बीच में बड़े शॉट खेल रहे, इससे दिक्कतें जो है गेंदबाजी की और बढ़ती भी। रन संख्या अब कुल मिलाकर 30 रन, पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी बनती भी, सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी बल्लेबाजों द्वारा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक रन मिलेगा, इस पर कोई गलती नहीं है। पहली बार देखिए दो टांगों के बीच का जो रास्ता है उसको चीरती हुई गेंद पीछे आई थी, इस बार कोई गलती नहीं थी। देखिए बिगड़ने के लिए बहाना चाहिए, सुधरने के लिए कोशिश से आप बच सकते, बहुत अच्छी कोशिश की है, इस बार अच्छी फील्डिंग। अगली गेंद के साथ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आखिरी गेंद, सुंदर तरीके से ड्राइव करते हुए लेकिन आप एक बार गलती करते तो बार बार आपकी तरफ गेंद आती है, तीसरी बार गेंद आई है, तीसरी बार गलती हुई है, तीन बार आई, एक बार आपने कहा अच्छा काम किया, दो बार गलत काम किया, एक बार फिर पप्पू देखे थोड़ा फेल हुए हैं और इससे देखिए परेशानी गेंदबाज की भी बढ़ सकती है। ओवर समाप्त है, 3-3 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 33 रन, जीतने के लिए 53 चाहिए, इसका मतलब अब यहां से कितने 18 गेंदों का खेल शेष है और 20 रनों की जरूरत है। अगर आप हौसला नहीं दिखाएंगे तो सामने वाले का हौसला तो बिल्कुल बनने वाला है, इसलिए दबाव बनेगा, विकेट नहीं मिलेगा तो दबाव अपने आप जाएगा एक गेंदबाजों की तरफ, फील्डिंग आप अच्छी नहीं करोगे तो परेशानी होगी। मैदान के अंदर क्या पानी की जरूरत है, अंपायर के लिए पानी की जरूरत है, जलपान के लिए खेल रुका हुआ है, 18 चंडू 20 दामन की आवश्यकता है। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 पर एक ब्रेक हुआ, ब्रेक नंतर पर असा गेलो आणि असा आलो। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, स्वागत है मास्टर प्रीमियर लीग 2020, और क्या मैच है, बहुत ही शानदार चल रहा है, घमासान, और ये हर एक पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगाएंगे जी जान, ये मैच जीतने के लिए खिलाड़ी जी जान लगाएंगे, 18 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में जो कि परिवर्तन होता है, दिमाग आए हैं,
देवराम। पर पहले ओवर की कहानी बहुत अच्छी रही है, केवल 3 रन खर्च किए थे नबी तुली गेंदबाजी करते हुए, सुप्रिया शुक्रिया। और बल्लेबाज की बात करें तो आनंद सेठ है, संतोष सेठ है, स्ट्राइकरेन पर बल्लेबाज आनंद, आनंद स्ट्राइक। 18 गेंदे बीच चाहिए मुकाबला जीतने के लिए आस्था मोटर्स को। बिल्कुल पलड़ा इनका ही भारी है, लेकिन एक गलती करेंगे तो कमबैक करने का मौका गेंदबाज को मिल सकता है। देवराम का पहला ओवर बहुत शानदार रहा, 3 ही रन दिए हैं, लेफ्ट राइट अप होल्ड द विकेट। इस बार बल्ले के ऊपर सिरा लेते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ जा रहे, 4 रनों के लिए। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का सहारा, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए फरार। सत्रह गेंदों में जीतने के लिए अब 16 रनों की जरूरत है, मतलब प्रारंभिक बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। आनंद और संतोष अभी तक का स्कोर है कुल मिलाकर 37, और पहले विकेट के लिए 37 रनों की बहुत ही बेशकीमती साझेदारी। कुछ दर्शनीय स्ट्रोक आनंद और आम ने देखे, देवराम के ऊपर दबाव है, बहुत अच्छी गेंद थी। ये गेंद थोड़ी खराब है, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, 4 रन। शुक्रिया दीजिए। आस्था मोटर की गाड़ी रम पम पम जा रही है, पहली गेंद बहुत अच्छी थी, दूसरी बहुत खराब थी, थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जा रही थी, तो बल्लेबाज थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर आए और बढ़िया तरीके से घूमकर फाइन लेग बॉडी लाइन की तरफ खेलते हुए जीतने के लिए यहां से और 12 रनों की जरूरत है। 16 गेंदों का खेल शेष है, दायरी के अंदर अब ज्यादा खिलाड़ी होने चाहिए। शानदार बल्लेबाजी आनंद द्वारा इस प्रतियोगिता में, पहला मैच खेल रहे हैं और क्या कमाल का प्रदर्शन इन्होंने किया है। कम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करने के लिए देवराम, प्रमुख गेंदबाज, दैट्स द ब्यूटीफुल डिलीवरी, लुक एट द डिलीवरी, जस्ट पिचिंग आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, दैट वन शफलिंग आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, लुकिंग फॉर द बिग शॉट, नो कॉन्टैक्ट बिटवीन बैट एंड बॉल, बॉल गोइंग बिहाइंड द विकेट एंड दे कैन बी नो रन, इसकी जरूरत है। अब 15 गेंदे और 15 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 12 रन, मैच बन सकता है लेकिन खुद के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। अभी आपको कितने चाहिए, देखिए 15 गेंदे हैं, गेंदे ज्यादा रन कम है, तो क्या स्ट्राइक रोटेट आप कर सकते हैं या बड़े शॉट के लिए जाएंगे, क्या सोच होगी इस वक्त बल्लेबाजों द्वारा। दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, देवराम ने शिकार कर दिया है, वो भी आनंद का बड़ा शिकार है, विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। थैंक यू दीदी। 14 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज आनंद बैक टू द पैवेलियन आते हुए 26 रनों की पारी समाप्त होती हुई, एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग, बिल्कुल अच्छी पारी खेली है, लेकिन ये शॉट जो था खास करके बल्लेबाज द्वारा कुछ मुझे समझ भी नहीं आया। आपको सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रहना था, लेकिन इस वक्त आपने जो शॉट खेला इससे क्या होगा कि गेंदबाज को वापस आने का मौका मिलेगा। पहले वार पे वार जोरदार प्रहार, चौके छक्कों की बौछार, मिला विकेट, क्या आएगा एक बार फिर पलटवार। और अब जाकर 14 गेंदे, इस ओवर की 2 गेंदे शेष है और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। मैच बन सकता है लेकिन खुद के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। देवराम के पास वो काबिलियत है, बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर, संतोष आ रहे हैं एक तरफ बल्लेबाज के, दो संतोष मैदान के अंदर है, आनंद का विकेट खोने के बाद संतोष आए हैं, टीम के लिए ज्यादा आनंद देंगे एक बार फिर वो दुख या देखने वाली बात है, लेकिन देवराम ने अपना काम कर दिया है। विकेट के तलाश में ब्रेक थ्रू की जरूरत है, क्रिकेट की परिभाषा की बात करें, विकेट मिलेगा तो मोमेंटम आपकी तरफ आएगा, मतलब गेंदबाज की तरफ जाएगा, विकेट नहीं गिरेगा तो मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाएगा। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक, संतोष ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी करके देवराम, आत्मविश्वास थोड़ा सा ऊपर जाता, मनोबल थोड़ा और ऊपर जाएगा। टप्पा खाने के बाद उछालते हुए गेंद, मल्होत्रा हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और वाइट बॉल का इशारा करते हैं, काफी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, बल्लेबाज को क्रैम करना चाहते थे। 14 गेंदे 11 रनों की जरूरत, इस वक्त अनुशासन की जरूरत है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है मैदान के अंदर तो इसका दबाव महसूस कर रहे हैं। ये गेंद बहुत अच्छी थी, हम पर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं,
इतनी अच्छी गेंदबाजी आपने सेठ बल्लेबाज को की है, तो आप नए बल्लेबाज को इतनी खराब गेंदबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप रिदम में गेंदबाजी करेंगे तो फायदा होगा। अब देखिए, आपके पास 14 गेंदे हैं और जीतने के लिए 10 रन, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। राउंड विकेट भी गेंदबाजी अच्छी हो सकती है इस गेंदबाजों के बल्लेबाज के लिए। उसी अंदाज में गेंदबाजी गेंद फाइनली क्षेत्र की तरफ जा रही है। क्या इस बार पैर पर लगी है? बिल्कुल, अंपायर इशारा करेंगे पैर पर लगी है। लेग बाय का इशारा होता है। तेरे गेंदों का खेल से 9 रनों की जरूरत है। कहते प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य उसे बड़ा करता है। आप गेंद को ऑफ टर्म के बाहर क्यों नहीं रख रहे हैं? अभी देखिए, जो लेफ्ट हैंडर की लाइन थी वो लाइन अब आपको डालनी है। तो लेफ्ट हैंडर आने से एक बार फिर जो लेंथ वो बिगड़ी, रिदम बिगड़ा, दिशाएं गेंदबाजी की गेंदबाज ने, जो दबाव बनाने का मौका था वो आपने छोड़ दिया है, गवाया है। गेंदबाजी करने के लिए देवराम स्ट्राइक रेन पर संतोष, राइट अप ओवर द विकेट। खराब गेंदबाजी, इतनी छोटी गेंदबाजी क्यों कर रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है। देखिए, छोटी गेंदबाजी, जोरदार प्रहार होगा, 4 रन मिलेंगे, मिलेंगे रन, 4 तो बेड़ा होगा पार। और अब जाकर आस्था मोटर की गाड़ी रम पम पम जा रही है, जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। एक गाने के साथ वापस आएंगे। संस्कार की बात करें तो हर के कगार पर है और आस्था मोटर जीत की दहलीज पर है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन, जीतने के लिए चाहिए 5 रन, 53 रनों का लक्ष्य है। 12 गेंदे बची हुई है, गेंदे ज्यादा है, तो एक बार फिर आस्था मोटर के चेहरे पर, जो सारे खिलाड़ी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। दबाव में है इस वक्त संस्कार 11। एक अच्छी गेंद डाली थी आनंद के लिए, लेकिन उसके बाद में 2 गेंदे खराब डाली लेग स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंडर संतोष के लिए, वहां से परेशानी बढ़ी। और उसके बाद में अब उभर कर आने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 का एक बहुत ही जबरदस्त घमासान आप देख रहे हैं। और क्या कमाल का मैदान है, शानदार मैदान माकुनसार का। इस माकुनसार के ऐतिहासिक मैदान पर मुकाबला चल रहा आस्था मोटर्स और संस्कार 11 के बीच। और गेंदबाजी करने के राकेश, अभी देखिए ये मुकाबला आप बना सकते हैं क्या, इस बात के ऊपर विश्वास होगा गेंदबाज के अंदर, ये देखना बहुत जरूरी है। रन बहुत कम है, गेंदे ज्यादा है, दमकम ज्यादा लगाने होगा, एकाग्रता बहुत जरूरी है और दायरे के अंदर ज्यादा खिलाड़ी होनी चाहिए। दायरे के अंदर ज्यादा खिलाड़ी नहीं है, मुझे लग रहा है कि आप 5 बचाने की कोशिश कर रहे हैं या 25 बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 5 बचाना चाहते तो इतने सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर क्या कर रहे हैं? देखिए, दायरे के अंदर खिलाड़ी होता तो काम तमाम हो जाता, लेकिन ये मैंने कहा है, ये मेरी बात है, ये मेरी समझ है। एक बार फिर गेंदबाज और फील्डर की समझ कुछ अलग है। अगर ये दायरे के अंदर खिलाड़ी होता तो बिल्कुल ये विकेट था। क्या क्रिकेट, जिस तरह से क्रिकेट चल रही है, एक बार फिर कप्तान की सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, गेंदबाज की सोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास बैंक बैलेंस केवल 4 का बचा हुआ है, गेंदे अभी भी बहुत है, 11 गेंदों का खेल शेष है। अब फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं, आप फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं, तीर कमान से निकल चुका है, एक बार आपने गलती की है, एक बार फिर अब क्या होगा? लग रहा है आप टेस्ट क्रिकेट चल रहे, आप एक बार फिर वो घेरा बनाएंगे, घेरा बनाएंगे तो मजा आएगा। 11 गेंदे इस बार गैप में खेले, सुंदर तरीके से खेल समाप्त होता हुआ स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाते हुए गेंद 4 रनों के लिए, मिलेंगे रन, 4 तो बेड़ा होगा पार। खेल खल्लास, ये मुकाबला आस्था मोटर ने शानदार तरीके से जीत लिया है। जीत के लिए बिल्कुल गाना आएगा, एक गाने के साथ मैन ऑफ द मैच की तरफ बढ़ेंगे।